खबर गुलाचिका से आ रही। किसान आंदोलन फतेह कर घर लौटे किसानों का जोरदार स्वागत और किसानों पर बरसा फूल। शहर में लगाए गए लंगर, पत्रकार संघ गुलाचिका के सभी पत्रकार साथियों ने सरोपा देकर सम्मानित किया। किसानी आंदोलन फतेह कर आज घर लौटे किसान का शहर में जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। किसानों के जत्थे ने नगर में प्रवेश करते ही फूल बरसाए गए और लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसानों के सफर को देखते हुए जगह जगह पर लंगर लगाए गए। किसानों के आराम करने की व्यवस्था भी की गई। बता दें किसान कलोनी वापसी खुशी और ढोल डीजे जमकर नाचते गाते और एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखे। वहीं सभी किसान जथेबंदियों ने नेताओं ने कहावत एकता में बल का उदाहरण दिया। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए गुलाचिका से गुरदीप चाप। 13 महीने से यह आंदोलन चला हुआ था। यह आंदोलन किसानों का सरकार के खिलाफ था, क्योंकि सरकार ने यह किसानों की मांग नहीं थी। सरकार ने गलत रूप से 3 कृषि कानून सरकार किसानों के ऊपर जो थोपे थे, किसान और किसान व्यापारी कमेरा सभी इसके खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ इस मोर्चे पर बैठे हुए थे। और यह आज 13 महीनों में हमारी जीत हुई है। यह जीत एक काउंटर अटैक के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि हमारी तो मांग ही नहीं थी ये 3 कृषि कानून। हमारी मांग तो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, हमारी मांग तो बिजली पर कानून था, हमारी मांग तो मुआवजा कर्जा माफी थी। और इन्होंने धक्के से नजायज रूप से उन मांगों को नीचे करने के लिए या अंधेरे में जाने के लिए करने के लिए कि चला रहेगा ये आंदोलन। इस प्रकार से ये 3 कृषि कानून हमारे ऊपर, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगातार गलत व्यवहार करके हमारे ऊपर अलग अलग कानून बनाए थे, ऐसे ही इन्होंने ये किसानों के ऊपर कानून बना दिए थे। लेकिन हम जीत चुके हैं। 13 महीने से यह धर्म की जीत थी, न्याय की जीत थी, क्योंकि यह जीत 700 से अधिक किसान इसमें शहीद हो चुके हैं। और वो किसान केवल किसान व्यापारी और कमेरा वर्ग के लिए शहादत दी है, उन्होंने अपने परिवार और घर के लिए शहादत नहीं दी, क्योंकि यह शहादत या तो मोर्चे पर हुई है या फिर रास्ते में आते जाते हादसों में हुई है। इसके लिए हमने सरकार से भी मुआवजे की मांग की है और हमारी डिमांड है विशेष रूप से कि जो कानून वापिस लिए हैं वह कानून तो वापिस लिए हैं, जो हमारे साथ दिए उनको उचित रूप से मुआवजा दिया जाए और पूरे पूर्ण रूप से उनको नौकरी की व्यवस्था, और जो ये नाच गाने वालों को और जो देश के आजादी को एक धोखा और भीख में कह रहे ऐसे लोगों को पद्म भूषण और पद्म श्री से ना नवाज करके, किसानों को जो मातृभूमि और किसानी के लिए जान दे रहे हैं, देश भूमि के लिए जान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को पद्म श्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा जाए। आने वाले समय में इलेक्शन का दौर तो इन्होंने बीजेपी वालों ने तो खुद ही खराब कर लिया अपना, क्योंकि अब तो मैं किसी विशेष पार्टी की बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को तो किसान वोट देंगे नहीं और व्यापारी भी, छोटा व्यापारी भी नाराज है। अगर बड़े व्यापारियों की बात करें तो उनके पास वोट है ही नहीं, ना वो वोट डालने जाते, तो इनकी दुर्दशा तो जैसे आपने एग्जिट पोल में देखा ही है, यूपी में इनकी दुर्दशा तो सरेआम नजर आ रही है। तो इन्होंने 210 सीट तो खुद ही है हारे, एग्जिट पोल में हार मान चुके हैं। ये जो 3 काले कानून थे उनको जो सरकार ने वापिस लिया, उनको वापिस लेने की खुशी है। और हमारे जो साथी दिल्ली में बैठे थे वो आज वापिस आ रहे हैं अपने घरों को संभालने, क्योंकि एक मोर्चा जीत चुके हैं। परिवार का जो मोर्चा वो भी बहुत बड़ा मोर्चा होता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाने आज आ रहे हैं। और वो जीत की खुशी में मतलब हम यहाँ इकट्ठा हुए जश्न मनाने के लिए, और आज के बाद हम जो है यहाँ से जो धरना है वो भी समाप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्शन का दौर है, तो उस समय आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्या आप इस सरकार को दोबारा वोट देंगे? उस दौरान हम ये देखेंगे कि जो सरकार ये कहेगी कि हम जो है ये 3 काले कानून जो सरकार पहले लेके आई है बीजेपी, वो दोबारा से नहीं लेके आएंगे, किसानों के उत्थान के लिए जो काम करेंगे, अगर वो उनकी मेमोरेंडम में है, उनके घोषणा पत्र में है, तो हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम उनको वोट नहीं देंगे। ये काले कानून जो आए थी उन्होंने उत्ते जो किसान संघर्ष समिति सी या संयुक्त किसान मोर्चा सी, उन्होंने अपने भ्रमे नाल पूरे साल अंदोलन लड़न तो बाद यह जित प्राप्त की है। बेशक यह जित हले पूरी नहीं है, हले सू एमएसपी चाहती है, हले साडे जो किसान शहीद होए ने उन्होंने बारे च जो मंत्री है उन्होंने भी हले तक पद तो हटाया गया, जो साडे शहीद होए ने उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए। पर फिर भी बहुत वड्डी जित है, उसकी खुशी चाहे प्रोग्राम हो रहे हैं।